हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं वीरेन मिश्रा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि इफ़ पॉसिबल ये पूरी वीडियो आप अपने पूरे परिवार के साथ देखें। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये वीडियो आपके पूरे परिवार के लिए है। तो इफ़ पॉसिबल आप अपने पूरे परिवार के साथ ये वीडियो देखें। दोस्तों, इस ज़िंदगी को जीने के लिए आपको दो तरह की विद्या मतलब नॉलेज, इस ज़िंदगी को जीने के लिए आपको दो तरह की विद्या की बहुत ज़रूरत है। एक होती है पराविद्या और दूसरी होती है अपराविद्या। आप जब बचपन से अपने स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो आपको वहाँ पर अपराविद्या सिखा दी जाती है। अपराविद्या से आप पैसे कमा सकते हो, अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सकते हो, लेकिन आपको स्कूल और कॉलेजेस में पराविद्या नहीं सिखाई जाती। मेरे दोस्त, एक बात याद रखना, अपराविद्या विल गिव यू अ लिविंग बट पराविद्या विल गिव यू लाइफ। जिंदगी कैसे जीनी है ये पराविद्या में सिखाई जाती है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस पराविद्या को कैसे सीख सकते हो, इस नॉलेज को जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी सकते हो, ये आप कैसे सीख सकते हो। तो दोस्तों, पराविद्या सीखने का जो सबसे बेस्ट तरीका है उसको कहते हैं भगवद्गीता। भगवद्गीता मात्र एक धार्मिक किताब नहीं है दोस्त। आपके ज़िंदगी में जितने भी सवाल हैं, आपके ज़िंदगी में जितनी भी तकलीफें हैं, सबका सब सॉल्यूशन भगवद्गीता में मौजूद है। आज कृष्ण को वापस धरती पर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण ने आपके सभी सवालों के जवाब आज से 5200 साल पहले भगवद्गीता में दे दिए हैं। भगवद्गीता क्या है? भगवद्गीता मात्र एक धार्मिक किताब नहीं, भगवद्गीता एक सक्सेस मैनुअल है, एक लाइफ मैनुअल है। ज़िंदगी कैसे जीनी है, ज़िंदगी को कैसे जिया जाता है, प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व किया जाता है, ये भगवद्गीता में बताया गया है मेरे दोस्त। भगवद्गीता में होता क्या है कि अर्जुन कृष्ण से सवाल पूछते हैं, कृष्ण उनका जवाब देते हैं। बड़ी बात देखिए, आपके ज़िंदगी में जो जो सवाल है वो आपके बिहाफ पर अर्जुन ने आज से 5200 साल पहले ही कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पूछ लिया है। दोस्तों, गीता पढ़ने से वास्तव में आपकी बुद्धि बहुत मजबूत हो जाएगी, आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। दोस्तों, गीता में कृष्ण कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते, जिसका मतलब है, हे अर्जुन, मैं ही बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। और गीता में जो कृष्ण ने कहा है उससे वास्तव में आपकी बुद्धि बहुत मजबूत हो जाएगी। चलिए मेरे साथ कुरुक्षेत्र के रणभूमि में आज से 5200 साल पहले मैं ले चलता हूँ आपको कुरुक्षेत्र की लड़ाई में। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के मैदान में अर्जुन के कई सारे रिश्तेदार मारे गए, पांडवों के कई सारे रिश्तेदार मारे गए। अर्जुन का बेटा अभिमन्यु मारा गया, पांडवों में से घटोत्कच मारे गए। आप जानते हैं इतना बड़ा बड़ा दुख पांडवों ने झेल कैसे लिया? हम तो एक छोटा सा दुख नहीं झेल पाते, पांडवों ने इतना बड़ा दुख अपने जीवन में झेल कैसे लिया आप जानते हैं? क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। यही कारण था कि इतना बड़ा बड़ा दुख, अपने बेटे के मर जाने का दुख तक अर्जुन ने झेल लिया। दोस्तों, अर्जुन के पास लड़ाई के सारे स्किल्स थे, अर्जुन बहुत बड़े वॉरियर थे, लेकिन वो कुरुक्षेत्र के रणभूमि में हार मानकर बैठ गए थे। गीता के पहले अध्याय के 30वें श्लोक में अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, गांडीवम संस्रते हस्ता त्वच्चैव परिधेयते न च शकोम्यवस्था तु भ्रमति वच मे मनः। कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मेरे हाथ कांप रहे हैं, हे केशव, मेरे हाथ से मेरा गांडीव, मेरा धनुष छूट रहा है, हे केशव, मेरी त्वचा, मेरी चमड़ी जल रही है। आज मैं जिनके सामने खड़ा हूँ वो मेरे रिश्तेदार हैं, वो मेरे ही भाई, मेरे ही ससुर, मेरे ही चाचा, मेरे ही दादा लगते हैं, मैं उन्हीं के विरुद्ध खड़ा हूँ। आज मैं अगर उन लोगों को रणभूमि में मार भी दूंगा तो भी मैं सुखी कैसे रहूंगा? अगर आज मैं लड़ाई में मारा जाता हूँ तो मैं हार गया, और अगर आज मैं उन लोगों को मार देता हूं तो मैं जीत कर भी हार गया। मैं हारा तो भी हारा, मैं जीता तो भी हारा। और ऐसा कहकर अर्जुन अपना धनुष छोड़ देते हैं, अपना मुकुट उतार देते हैं और कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं, केशव, मैं आज हार गया। तो इसके बाद कृष्ण दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में माइक उठाते हैं और कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसि मह्यम तस्मात् उत्थिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। इसका मतलब है, हे पार्थ, अर्जुन से कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, या तो तू इस लड़ाई के मैदान में मारा जाएगा और स्वर्ग चला जाएगा, या तो तू इस लड़ाई को जीतकर दुनिया पर राज करेगा। इसलिए अर्जुन तू उठ,
धनुष उठा और युद्ध कर। कृष्ण बार बार अर्जुन से कहते हैं उत्थिष्ट उत्थिष्ट अर्जुन उत्थिष्ट। ऐसे ही कृष्ण आपसे भी गीता में कहेंगे उठो और अपनी ड्यूटीज को पूरा करो। रिमेंबर माई फ्रेंड्स, इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। अज्ञानता ही सभी दुखों का कारण होती है और ये इग्नोरेंस ये अज्ञानता भगवद गीता से दूर हो सकती है। आपको कृष्ण इन्वाइट नहीं करेंगे भगवद गीता के लिए। बहुत लोग होते हैं अरे जब कान्हा का बुलावा होगा, मेरे नंदलाला का बुलावा होगा तब मैं गीता पढ़ूंगा। कृष्णा ने आपको आज से 5200 साल पहले इनवाइट कर दिया था। अब उनका इनवाइट आपको स्वीकार करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर है। दोस्तों जब आप कोई बुरी आदत की तरफ जाते हैं, जब कोई बुरी हरकत करता है तो उसके लिए आपको कोई इनवाइट नहीं करता है, तो ये अच्छे काम के लिए भी आपको कोई इनवाइट नहीं करने वाला है, आपको खुद जाना होगा। तो बहाने बनाना बंद करो और वास्तव में भगवद गीता पढ़ो। दोस्तों अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि गीता पढ़ने की मैंने कोशिश की थी यार, मुझे नहीं समझी भगवद गीता। भैया मुझे आज तक नहीं समझी, मैंने 2 बार पढ़ी है, मुझे आज तक गीता नहीं समझी है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ता हूँ। क्यों जानते हैं? मेरे पिताजी ने मुझे कहानी सुनाई थी, मुझे याद है, और मैंने वो कहानी यूट्यूब पर भी बार सुनी थी। एक बाप अपने बेटे को पूछता है बेटा तू भगवद गीता पढ़, लेकिन बेटा बोलता है नहीं पप्पा मुझे नहीं समझती है। तो बाप बोलता है अच्छा ठीक है बेटा कोई बात नहीं मत पढ़ जाने दे। वहाँ एक थाली रखी हुई है नीचे, उस थाली में कोयला रखा हुआ है, वो कोयले को तू गिरा दे और जा उस नदी के किनारे जा और उस थाली में पानी भर के तू मेरे पास लेकर आ। वो लड़का क्या करता है कोयला गिरा देता है और जाता है नदी किनारे पानी भर के लाने की कोशिश करता है। अब बड़ी बात ये रहती है ना कि उस थाली में कई सारे छेद होते हैं, तो वो जाता है जब पानी उठाता है तो पानी लाने लाता गिर जाता है। बोलता है पप्पा लाया, पप्पा पानी गिर गया। उसके पिताजी बोलते बेटा जा फिर से लेकर आ, इस बार आ जाएगा। वो फिर जाता है, फिर पानी भरता है, फिर लेकर आता है, लेकिन फिर पानी गिर जाता है। उसके पिताजी बोलते हैं बेटा एक बार फिर लेकर आ, फिर जाता है, फिर लेकर आता है, फिर से पानी गिर गया। अब भैया जब थाली में छेद है तो पानी गिरेगा ही ना। तो उसके पिताजी बोलते हैं बेटा एक बार फिर जा, मेरे लिए जा और लेकर आ। वो फिर जाता है, लेकर आता है। इस बार वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकर आता है, बोलता है पप्पा पानी गिर जा रहा है, मैं नहीं लाऊंगा पानी। चिढ़ गया, मैं नहीं लाऊंगा पानी, देखो पूरा पानी गिर जाता, मैं मेरी मेहनत बर्बाद हो रही है। तो उसके पिताजी उससे कहते हैं बेटा थाली को देख ज़रा। तो अपने थाली को देखता है वो, जब उस थाली को वो देखता है तो थाली पूरा साफ़ हो चुका है, चमक रहा होता है। बोला अभी जब तू थाली ले जा रहा था तब वो थाली कोयले की वजह से काली हो चुकी थी, पूरी थाली काली हो चुकी थी, लेकिन जब तू पानी बार 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 उसमें भर के ला रहा था तो वो कोयला साफ हो गया, वो थाली चमकने लगी। उसी तरह बेटा गीता एक बार में नहीं समझेगी, उसे गीता को बार बार पढ़ना पड़ेगा, धीरे धीरे तेरे दिमाग की गंदगी, तेरे दिमाग के सारे मैल साफ होने लगेंगे। तो मैं भी आज आपको वही बात कहता हूँ, गीता एक बार में नहीं समझती है, गीता पढ़ना शुरू करिए। वास्तव में गीता आपकी बुद्धि को बहुत मजबूत कर सकती है। गीता पढ़ना शुरू करिए, एक बार में नहीं समझेगी, 2 बार में नहीं समझेगी, 3 बार में नहीं समझेगी, लेकिन इतनी बार आपका दिमाग साफ होना लगेगा और एक बार तो आप भगवद गीता समझ ही जाओगे। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया अपरा विद्या आपको पैसे कमाने की ताकत दे सकती है, लेकिन परा विद्या आपको इमोशनली एनलाइटन कर सकती है। अंदर से आप बहुत इमोशनली स्ट्रांग हो सकते हो परा विद्या की वजह से, और ये परा विद्या आपको भगवद गीता में पढ़ेगी। मैं आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ दोस्तों। मैं अभी कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर मैंने 2-3 भगवद गीता पर वीडियोस डाले थे छोटे छोटे, तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे सजेशन दिया और एक ने रिक्वेस्ट भी कर दी कि मैं गीता के 18 अध्यायों पर पूरा का पूरा वीडियो बनाऊं, 18 वीडियोस ऑन 1-1 चैप्टर ऑफ भगवद गीता ईच। मुझे सजेशन बहुत अच्छा लगा और मैं ये डिक्लेयर करता हूं कि मैं भगवद गीता के 18 अध्याय पर वीडियो बनाऊंगा। इसी बहाने मैं फिर एक बार भगवद गीता पढ़ लूंगा और आप लोगों तक भी भगवद गीता लेकर आऊंगा। तो आप इस वीडियो को अपने और दोस्तों से शेयर करिए, भगवद गीता का ज्ञान और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि वास्तव में जब हम और लोगों की मदद करते हैं ना तो हम बहुत अनलाइटन होंगे अंदर से, विश्वास करिए इस बात का। अपने और दोस्तों से शेयर करिएगा वीडियो और चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और वो कमेंट भी कर देना, और कुछ सजेशन हो तो सजेशन भी दे देना। जय हिंद, वंदे मातरम, आई लव यू ऑल।